विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर ने 21 लाख दीपों पर तेल भी डालने का कार्य पूरा कर दिया है। बस अब कुछ ही घंटों में इस तेल और बाती की रोशनी पूरी राम की नगरी को जगमग करेगी। वो नजारा त्रेता युग की तरह होगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी वॉलंटियर दीपक में तेल डाल रही है। हालांकि तेल डालने का कार्य अभी से ही शुरू कर दिया गया है, बाती भी पड़ गई है, बस अब इसको जलाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक ही रंग में, खास बात ये भी है इस बार की सातवें दीपोत्सव में कि एक ही रंग में अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको विश्व रिकॉर्ड बनाना है। आगामी 6 वर्षों से राम की नगरी अयोध्या अपने नाम दीपक जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करती है। तो ऐसा ही उत्साह और उमंग इस इन वॉलंटियर में साफ देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को रामलला के दरबार में गाय के गोबर के 5 दीपक जलाकर दीपोत्सव का आगाज करेंगे, तो यहाँ राम की पैड़ी के 51 घाटों पर अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर एक साथ दीपक प्रज्वलित करके एक नया इतिहास रचेंगे। हालांकि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि प्रभु राम, धार्मिक मान्यता है कि प्रभु राम दीपावली के बाद राम नगरी अयोध्या पहुंचते हैं और उनका स्वागत अयोध्या वासी दीपमाला जलाकर करते हैं। अयोध्या से न्यूज 18 लोकल के लिए सर्वेश श्रीवास्तव।